नमस्कार, डायलॉग में मैं अरशद हुसैन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। हम जब भारतीय लोक कलाओं, संगीत और संस्कृति की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो पंजाब है उसने पूरे विश्व स्तर पर अपना परचम लहराया है। और ख़ासतौर से अगर यूरोप की आप बात करें, कनाडा की आप बात करें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत का नहीं, पंजाब वहाँ का लोक संगीत है, वहाँ की संस्कृति में इस तरीके से वो रचा बसा हुआ है। अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के गरबा ने भी पूरी दुनिया के अंदर धूम मचाई है, और जहाँ जहाँ पे गुजराती हैं उन्होंने गरबा के ज़रिए गुजरात को और हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया है। लेकिन यहाँ जयपुर में बैठ के, इस मरुभूमि में बैठ के मुझे आभास होता है कि हमारी जो लोक कलाएँ हैं, जो हमारे लोक नृत्य हैं, जो हमारी लोक संस्कृति है, शायद आज विश्व में वो उस मुकाम पर नहीं है जहाँ पर उसे होना चाहिए था। इसके पीछे क्या कारण है और उन कारणों की किस तरीके से हम सर्जरी कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से आने वाले वक्त के अंदर उन कमियों को हम दूर कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए आज बहुत ख़ास मेहमान मेरे साथ हैं। आइए मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं। हमारे साथ में आज इमरान साहब हैं। इमरान साहब राजस्थान के एक बहुत मशहूर बैंड ड्यून्स ऑफ राजस्थान के फाउंडर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और इसके अलावा बहुत अच्छे वायलिन प्लेयर हैं। मेरे साथ में रहीस भारती हैं। रहीस भारती, हम कह सकते हैं कि राजस्थान का नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आज के वक्त में कोई बढ़ा रहा है, बाहर ले जा रहा है और पूरी दुनिया को राजस्थान दिखा रहा है तो वो रहीस भारती हैं। 100 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर कार्यक्रम कर चुके हैं और आपका बैंड धोद के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप एक बॉलीवुड मसाला ऑर्केस्ट्रा भी चलाते हैं जो बहुत ही स्पाइसी है, बहुत ही मसालेदार है। आपको हम कुछ वीडियो क्लिपिंग उनकी दिखाएंगे अभी। मेरे साथ में भरत हैं। भरत बहुत अच्छे सितार प्लेयर हैं, आप भी ड्यून्स ऑफ राजस्थान से जुड़े हुए हैं। और साथ में हमारे साथ आरडी हैं। आरडी म्यूज़िक फैकल्टी हैं एक स्कूल के अंदर, साथ ही रॉक मल्हार से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं अपनी सबसे पहली बात रहीस भाई आपसे शुरू करना चाहूँगा। राजस्थान के म्यूज़िक को लेकर, लोक नृत्य को लेकर दुनिया भर में क्या रिस्पॉन्स है, क्या नज़रिया है? अभी खासकर जो हमारा एक्सपीरियंस जो है धोद ग्रुप का, क्योंकि हम जो राजस्थानी रूट्स म्यूज़िक, ट्रेडिशनल म्यूज़िक जो है उसको हम प्रेजेंट करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, और क्योंकि अपना संगीत इतना रिच है कि कहीं भी डालते हैं तो लोग उस कलर को, कोई भी संगीत हम बजाते हैं, खासकर हम राजस्थानी संगीत को जो बजाते हैं वो बड़ा फेस्टिव है, बड़ा पावरफुल होता है, बड़ा कलरफुल है। तो जब हम प्यार से बजाते हैं संगीत को तो ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है, अगर आप कुछ प्यार से किसी को देंगे, क्वालिटी को प्रेजेंट करेंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बहुत बढ़िया, तो राजस्थान के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर प्यार जा रहा है राजस्थानी लोक कलाओं और लोक संगीत के ज़रिए। इमरान, आपको क्या क्या वजूहात क्या हैं कि ड्यून्स ऑफ राजस्थान इंडियाज़ गॉट टैलेंट भी जीत के आया, सब जीत के आया और बहुत मशहूर है, आप बाहर भी शो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अभी कुछ और किया जाना बाकी है, कुछ कमी है अभी? राजस्थानी म्यूज़िक को लेकर लोगों की थिंकिंग अभी जो डेवलप हुई है वो मेरे हिसाब से भी इतना ख़ास लोगों तक पहुंच नहीं पाया म्यूज़िक, राजस्थानी म्यूज़िक जो है ना। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको अपने तरीके से प्रेजेंट करें लोगों के अंदर, कुछ इसमें फ्यूज़न जोड़ें, कुछ इसके अंदर जुगलबंदी, और मतलब अपना एक मटेरियल तैयार करके हम लोग इसको प्रेजेंट करेंगे और मुझे यकीन है कि ये फ्लेवर लोगों को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, लेकिन इमरान ने ये माना कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तो भारत क्या कमी है, क्या लगता है आपको कि किस तरीके से हम इस कमी को भर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं? जैसे कि अब हम लोग का बैंड है ड्यून्स ऑफ राजस्थान, तो हम लोग इसमें 7 लोग हैं, एक साथ बजाते हैं। जैसे अब 7 ने हमें इंडियाज़ गॉट टैलेंट गए, वहाँ पर हमारा काफ़ी अच्छा शो रहा, काफ़ी हम लोग आगे तक पहुँचे, लेकिन जब हम वापस यहाँ आए राजस्थान जयपुर तो हमारे कुछ लोग हमसे
दूर हो गए अपने आप। तो एक ये बहुत बड़ी बात है कि एक यूनिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा मैटर है जो लोगों को एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मतलब राजस्थान के लोक कलाकारों को, उनको सबको एक साथ रहना चाहिए ताकि वो एक साथ तरक्की करें और एक साथ आगे बढ़ें। आरडी, आप यूथ से जुड़े हुए हैं और रॉक मल्हार आप उससे भी जुड़े हुए हैं, तो यंगस्टर्स के बीइंग म्यूज़िक फैकल्टी आपका बहुत उनके संपर्क में रहते हैं, तो यंगस्टर्स का राजस्थानी म्यूज़िक को लेके क्या रिस्पॉन्स रहता है? सर देखिए, आज के ज़माने में जब तक आप यूथ को कुछ एनर्जेटिक नहीं देंगे वो एंजॉय नहीं करेंगे। तो उनको बेसिक फोक म्यूज़िक सुनाना शायद मेरे हिसाब से थोड़ा जगह छोड़ देता है बीच में, उनके अंदर वो नहीं जाता। क्योंकि आज की जनरेशन जो है उनको कुछ एनर्जेटिक चाहिए, कुछ मसालेदार चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमको फोक जो है हमारा उसको कुछ कहीं फिर रॉक के साथ या पॉप के साथ फ्यूज़ करना चाहिए। वो चीज़ रॉक तो अपनी जगह है ही, या पॉप और ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, वो चीज़ें हमारे फोक के लिए और अच्छी साबित होंगी, वो फोक को भी और अपने साथ उठाएंगी। क्योंकि आज आप देखिए, आप चाहे बॉलीवुड खोल के देखिए, चाहे आप इंग्लिश मूवीज़ देखिए, कुछ भी देखिए, आपको रॉक का एक पार्ट हर जगह मिल जाएगा पर फोक का नहीं मिलता। वो इसलिए क्योंकि फोक एक प्योर चीज़ है और आजकल की जनरेशन में वो प्योरिटी है नहीं, ख़त्म हो चुकी है। तो हमको उन चीज़ों को इस तरह से प्रेजेंट करना होगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका बदलना होगा ताकि वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी एक्सेप्टेबल हों यंगस्टर्स को, जो कि अभी नहीं है। आरडी ने दो बातें कही, रईस भाई मैं आपके पास आना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि एक तो मसाला होना चाहिए, तो बॉलीवुड मसाला ऑर्केस्ट्रा हमारे पास है। दूसरी चीज़ इन्होंने कही कि उसके अंदर कुछ नई चीज़ें समाहित करने की ज़रूरत है ताकि युवाओं को आप वो एनर्जी दे सकें, वो चीज़ दे सकें जिसे वो चाहते हैं। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आप अपने शोज़ के अंदर कर रहे हैं, तो आप ज़रा सा इसके अंदर अनुभव अपना साझा करेंगे, किस तरीके से आप इन चीज़ों को, जो अपने आप बात निकल के आई है यहाँ पे आरडी ने जो कहा, वो कैसे संभव हो पा रहा है? क्या है कि हम जब राजस्थानी ट्रेडिशनल म्यूज़िक की बात करते हैं यहाँ राजस्थान के अंदर, तो खासकर हम शादी ब्याह में जो संगीत बजता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी जो पब्लिक है वो अवेयरनेस नहीं है आर्टिस्ट के प्रति, उनको एज ए शोकेस रखा जाता है। तो ये अवेयरनेस हो कि अगर कोई कलाकार बजा रहा है या गाना गा रहा है उसको सुने, उसको रेस्पेक्ट दे सबसे पहले, ये बहुत ज़रूरी है राजस्थान, बहुत महत्वपूर्ण राजस्थान के लिए। और ख़ासकर जब बात करते हैं अपन फ्यूजन की, हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, आज तक राजस्थान प्रेजेंट हुआ, वर्ल्ड में भी राजस्थान हुआ, लेकिन उनकी पब्लिक लिमिटेड थी। आज तक जितने भी राजस्थानी ग्रुप गए उनको आप 200 लोगों ने देखा शो में, या 300 लोगों ने देखा, या 400 लोगों ने देखा। जब मैंने भी शुरू की थी ये सफ़र, जब 17 ईयर्स बैक चालू किया, तो हमने भी करीब 200 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए चालू किया। फिर धीरे धीरे फिर मैंने स्टडी ये की कि क्यों नहीं इसी राजस्थान ट्रेडिशनल म्यूज़िक को इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि पूरी दुनिया उसे पसंद करे, हम क्यों नहीं उसको कर सकते। तो मैंने कोशिश की कि मैंने रॉक पॉप म्यूजिशियंस को भी सुना, फ्लेमिंगो स्पेनिश म्यूजिशियंस को सुना, इटालियन म्यूजिशियंस को सुना, अफ्रीकन म्यूजिशियंस को सुना। तो इस सारे जितने भी डिफरेंट जॉनर्स होते हैं म्यूज़िक को, सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे इंडियंस के लिए, आज हमारे ट्रेडिशनल म्यूजिशियंस के लिए, वो दूसरे संगीत को सुनना पसंद नहीं करते हैं। 2 मिनट बाद आप रॉक संगीत सुनते हैं, उसके बाद सर में दर्द होने लग जाता है। तो पहले तो उसको एक्सेप्ट कीजिए दूसरे कल्चर को, फिर आप फ्यूजन कीजिए। जब आपको नॉलेज नहीं है कि वो म्यूज़िक क्या बजाते हैं और आप कहते हैं हम रॉक पॉप बजाते हैं, तो पहले तो उनको जानिए तो सही वो क्या कर रहे हैं, मतलब अपने जेलिंग करें अच्छे से, हाँ उसको सुने। आज हम यूरोप में जाते हैं, राजस्थानी भाषा नहीं समझते, लेकिन वो क्यूरियस होते हैं, वो सुनते हैं हमें, क्यों, ये सुर तो एक है दुनिया में, चाहे पॉप हो या रॉक हो, ताल एक है, रिदम एक है। तो ताल और जो मिश्रण होता है सुरीलेपन का, तो दुनिया में कोई भी उसे एक्सेप्ट करेगा। दूसरी जो मेन है कि एक हम जब गाना गाते हैं तो हमारे चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं होते, जैसे डरे हुए नहीं होते, कहीं से कोई डांट देगा हमें कि भाई क्यों गा रहा गाना, ये गलत गा रहा है, क्या कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारे, आप बैंड को देख लीजिए, जिस बैंड वाले जो बजाते हैं शादी ब्याहों में जाते हैं, तो वो बेचारे हंस नहीं सकते बजाते टाइम, क्यों लगता है कि कोई ना कोई डांट देगा, क्या पता किसी को देख के हंस रहा होगा, तो ये एंजॉय नहीं करते, एंजॉय नहीं कर पाते। दूसरा, आप राजस्थानी संगीत की बात करते हैं तो
हमने कोशिश की, जैसे बॉलीवुड मसाला ऑर्केस्ट्रा की बात करते हैं, राजस्थान टीम रखा तो पहली बार इंडियन ब्रास बैंड, जो अधिकतर हमारी शादी ब्याह में बजता है, तो ये लाउड साउंड है और राजस्थानी ट्रेडिशनल म्यूजिक है, वो एक अकुस्टिक साउंड है, उसको फर्स्ट टाइम ये मेरा ही आइडिया था, मिक्स करके उसको प्रेजेंट किया वर्ल्ड वाइड। और कोशिश सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बात हमारे लिए है, जो संगीत हमने सीखा है हमारी फैमिली से, जो हमारा फोक राजस्थानी ट्रेडिशन है, उसको पहले हम अच्छी तरह से सीखें। आज हमारे छोटे ब्रदर संजय खान, आज उनकी उम्र करीब 24 साल की होगी, लेकिन आज भी उनको 200-200 साल, 300-300 साल पुराने मार्ड याद है। हम यूरोप में जाकर भी रोज़ तैयारी करते हैं, हमें डर लगता है कहीं हमारे राजस्थान की बुराई ना हो जाए। हम हमारी कल्चर को नहीं भूलें। आज हम चाहे हम 2 लाख लोगों के लिए बजाते हैं पॉप रॉक, चाहे मिक जैगर है, चाहे एलपी है, चाहे जितने बड़े स्टार हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो राजस्थानी ट्रेडिशनल म्यूज़िक है उसको एज अ रॉक स्टार प्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड में। उसके लिए क्या क्या किया कि सबसे पहले उनको समझा कि उनको क्या रिदम चाहिए, पब्लिक जो नॉर्मल पब्लिक है उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि हर आदमी म्यूज़िक में नहीं समझता है, हर एक आदमी ताल में और आवाज़ में सुर में समझता है। तो उसको मैग्नीफाइड करके अपने कल्चर को बचाते हुए, ऐसा नहीं कि उसको भूल गए और दूसरा मिक्स कर दिया, उसको बचाते हुए अपने कल्चर को, आइडेंटिफिकेशन को स्ट्रांग रखते हुए और उनको थोड़ा अडेप्ट करके उसको प्रेजेंट किया दुनिया में, इसलिए आज लोग पसंद करते हैं धोद को। एडॉप्शन तो अपन ड्यून्स ऑफ राजस्थान में भी कर रहे हैं, तो इन्होंने जो एडॉप्शन बताया, उस एडॉप्शन का क्या अपने को लोकल स्तर पर भी फ़ायदा मिल रहा है? सर डेफिनेटली, अगर हम फ्यूज़न कर रहे हैं या फोक में कुछ भी चीज़, मान लो आप ब्लूज़ उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप ब्लूज़ स्केल आप अपने किसी भी राजस्थानी सॉन्ग्स में आप इंट्रोड्यूस करते हो, तो डेफिनेटली वो थोड़ा अलग लगेगा, लोग अट्रैक्ट होंगे उससे, आपको सुनते हैं लोग। मतलब फ्यूज प्रॉपर फोक अगर आप बात करते हैं, प्रॉपर फोक की परफॉर्म करने की, तो वो लोगों तक पहुँचाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब तक आप उसमें कुछ ना कुछ आपका कुछ इनपुट, मतलब उसमें जाएगा नहीं, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ के यार एक बीच में जुगलबंदी डाल दी, या कुछ भी फ्यूज़न का सितार के साथ जुगलबंदी कर ली, या कोई गिटार के साथ जुगलबंदी कर ली, तो डेफिनेटली लोग आपको सुनेंगे अच्छी तरह। बहुत बढ़िया। और मैं चाहता हूँ कि मैं राजस्थान के जितने म्यूजिशंस हैं, अगर आपका जोनर फ्यूज़न का है, आपका जोनर सूफी का है, आपका जोनर या फोक का है, तो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी इसके लिए होनी चाहिए। मान लो 10 लोगों की कम्युनिटी या 20 लोगों की एक फोरम टाइप, मान अपन इसको बोल सकते हैं कि एक ऐसा फोरम हो कि जो अगर आप फ्यूज़न आर्टिस्ट आपको चाहिए तो आपको फ्यूज़न का एक पर्टिकुलर जोनर मिलेगा, नहीं यार फ्यूज़न तो वही लोग करते हैं। ठीक है मतलब क्लासिफिकेशन की भी कमी, क्लासिफिकेशन की बहुत कमी, क्योंकि आजकल हर आर्टिस्ट सब कुछ करना चाहता है। मतलब आप उससे बात करोगे तो वो बोलेगा नहीं यार मैं बॉलीवुड भी करता हूँ, मैं रॉक भी करता हूँ, फ्यूज़न भी करता हूँ। मतलब अब 10 लोगों का काम, 10 आर्टिस्ट का काम छीन रहे हो आप। नहीं इमरान, उसके अंदर रोज़ी रोटी का भी एक मसला आ जाता है कि वो खुद का भी। हाँ, एक जवाब देना चाहता हूँ, पहले भी थी ये चीज़ें। अगर किसी म्यूज़िक डायरेक्टर जैसे नौशाद साहब को अगर किसी सिंगर से, मान लो रफ़ी साहब से गाना गवाना है, तो वो रफ़ी साहब से कोई भी मेलोडियस सॉन्ग या कोई सैड सॉन्ग गवाना रफ़ी साहब से, तो वो रफ़ी साहब को ही गवाएंगे। अगर कोई क्लासिकल सॉन्ग आता है उनके पास, तो रफ़ी साहब खुद, मतलब इतने ईमानदार, वो इतने ज़्यादा ईमानदार म्यूजिशन थे, इतने ज़्यादा ईमानदार आर्टिस्ट थे, वो खुद मतलब रिकमेंड करेंगे यार आप मन्नाडे साहब से गवाओ ये क्लासिकल सॉन्ग। तो वो ईमानदारी भी ख़त्म हो रही है आर्टिस्ट के अंदर। चलिए जुगलबंदी की बात आई, अगर जुगलबंदी की बात आती है तो मैंने आपको भरत बहुत 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 बजाते हुए देखा, और मेरे ख्याल से भरत जितना अच्छा आप सितार बजाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बेअदबी हो जाएगी, मेरे लिए आप मेरे ख्याल से बेहतरीन सितारिस्ट हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको डूब करके बजाते हुए देखा, मुझे ध्यान है मैंने शायद 5-6 साल पहले आपको पहली बार देखा था। तो सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ जुगलबंदी में आता है, सितार के से मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ, जब आप सितार बजाते हैं तो आप सबसे ज़्यादा इन्जॉय किसके साथ जुगलबंदी करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ में आप इन्जॉय करते हैं? यस, ज़्यादातर तबला हो गया, एंड और मेरी इच्छा रहती है कि मैं ड्रम के साथ भी उसी तरीके से जुगलबंदी करूँ जैसे आपने मेरे को देखा है, एंड तबला हो गया, ड्रम हो गया, मोरचंग के साथ भी मैंने जुगलबंदी की, करताल के साथ भी मैंने जुगलबंदी करी। तो जुगलबंदी का एक अपना ही एक पार्ट होता है, वो
एक नशा है जुगलबंदी मेरे लिए, मुझे बहुत मजा आता है जुगलबंदी। बिल्कुल बिल्कुल, सुनने वालों के लिए नशा है। ओके, तो जितना भी हुआ वो सारा जैसे तबला ड्रम ऑक्टोपैड के साथ ही मुझे मजा आते हैं, तो जुगलबंदी आई लाइक जुगलबंदी। बहुत बढ़िया। मैं अब आपसे मुखातिब होना चाहूँगा इसके अंदर। आप मुझे एक बात बताएं कि हम क्या ऐसी कुछ वर्कशॉप्स या कुछ चीज़, क्योंकि आप टीचिंग से जुड़े हुए हैं, नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते जिसके अंदर हम अपनी यूथ को वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ साथ कुछ लोक कलाओं के बारे में, लोक संस्कृति के बारे में, लोक गायन के बारे में बता सकें? सर ये एक्चुअली ये एक ही चीज़ है जो हम नहीं कर पा रहे हैं राजस्थान में। मैंने आज तक एक भी ऐसी अकेडमी कह लीजिए या कोई भी ऐसा इवेंट नहीं देखा जहाँ पे कोई फोक आर्टिस्ट आके किसी रॉक आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर रहा है, कोलैबोरेशन कर रहा है, क्योंकि यही जो जड़ है जो हमको मजबूत करनी है। अब आप रॉक के लिए अगर आप कोई इवेंट कराते हैं तो वहाँ सिर्फ रॉक होता है। बिल्कुल। राजस्थान के लिए कोई राजस्थानी लोक कला मंडल या ये जो भी इवेंट मैनेजर्स हैं, इवेंट्स वाले हैं, ये कराएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के फोक को ही इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जैसा कि ने कहा कम्युनिटी की, क्योंकि राजस्थान में एक चीज़ है जो कि मैंने आज तक इतने सालों में नहीं देखी, वो है डिसिप्लिन। जब हम चीज़ों को डिसिप्लिन से करते हैं ना तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से निखर के आती हैं, और डिसिप्लिन से नहीं करने की वजह से वो चीज़ें पिछड़ती जा रही हैं। हम हमारे जो जो हमारा कल्चर है उससे दूर होते जा रहे हैं सिर्फ डिसिप्लिन की कमी की वजह से। यहाँ पे साफ साफ कहना है इनके कि अनुशासन की भी कमी है, ट्रेनिंग की भी, मतलब काफ़ी हद तक ट्रेनिंग की ये कमी मांग रहे हैं, और वर्कशॉप्स की भी कमी है। तो रईस भाई, आप हम वो वर्कशॉप तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके ज़रिए एक बात पहुँचा सकते हैं कि आप ये जो प्रोग्राम्स की डिज़ाइनिंग करते हैं और कस्टमाइजेशन करते हैं, ये क्योंकि आप तमाम यूरोप के अंदर, दुनिया के हर मुल्क के अंदर आपको बिल्कुल कस्टमाइज प्रोग्राम्स मिल रहे हैं कि 40 मिनट धोत को करना है, 35 मिनट करना है, मैंने देखा है कई जगह आपको 20 या 15 मिनट करना है, तब भी आप राजस्थान के तकरीबन सारे फ्लेवर आप दे देते हैं उसके अंदर। तो हाउ डू यू डिज़ाइन दैट कि सब कुछ चीज़ें उसके अंदर डिलीवर हो जाए? ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर हम बड़े फेस्टिवल्स जो होते हैं वर्ल्ड लेवल के, जो टॉप फेस्टिवल्स में काम करते हैं, तो कई बार हमें बोलते हैं कि आप यू हैव टू प्ले ओनली 45 मिनट्स। अभी 2 साल पहले शफकत अमानत अली जी जो हमारे साथ थे, हरिप्रसाद चौरासी जी भी थे साथ, तो हमें कहा गया कि आपको 45 मिनट बजाना है, और करीब 35-40 हज़ार लोग थे हमारे शो के अंदर। तो मैंने बोला ठीक कोई बात नहीं, आप उन्होंने बोला आप पहले शफकत अमानत के पहले बजाइए, क्योंकि जो नॉर्वे में कम्युनिटी है तो वहाँ पाकिस्तानी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। ओके, तो अमानत की बड़े मशहूर है। तो मैंने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं, 45 मिनट का मतलब हमें ऑलरेडी डिज़ाइन करना है, हमें क्या करना है और बेस्ट देना है 45 मिनट में। ऐसा नहीं कि सोलो लेके बैठ गए 15 मिनट का अकेले, और गाने वाले सिर्फ ज़्यादा अलापों में या दोहों में उनमें टाइम लगा दिया। तो पूरा डिसाइड प्लान मैं टीम को बुलाता हूँ, आज अपन को ये करना है, इतने मिनट में एक गाना है, दूसरे मिनट में ये करना है, तो एग्जैक्ट 45 मिनट्स बाद वहाँ लाइट बंद हो जाती है, योर टाइम इज़ ओवर। ठीक है। और अगर आप 5 मिनट ज़्यादा बजा लेते तो वो कहते हैं कि आप प्रोफेशनल नहीं हैं। सही बात। ये तो थी नॉर्वे की। अब अमेरिका की जो बात थी, जब मैं बैठता हूँ शो के लिए, हमारे 2 शो होते हैं 90 मिनट्स के, तो एक होता है 45 मिनट्स 45 मिनट्स, तो एक हमारे वो घड़ी बना रखी है, उसको पब्लिक नहीं देख पाती, मैं ही देख पाता हूँ उसको इस तरह से। तो कई बार मूड में हो जाते हैं, कलाकार संगीत में डूब ही जाते हैं, तो हम भी उसमें काम ऐसा ही है। तो मैं उसको देखता रहता हूँ, जैसे 5 मिनट बाकी है, तो मैं इशारा कर देता हूँ, इशारा हो जा, इशारा सब समझ जाते हैं हमारे क्या करना है। तो सारे के सारे उसको 90 मिनट्स में ख़त्म करना है तो ख़त्म ही करना है उसको। पंचोर लैंग्वेज आप लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं आपस में जो भी, तो उससे वो पूरा टाइमिंग पे होता है सब कुछ। तो टाइम को फॉलो करना और एक प्रोफेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तैयारी भी करनी चाहिए, रियाज भी करना चाहिए। अच्छा, जो लोग आपकी तरह राजस्थान से बाहर जाना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं और आपकी तरह काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज इस सवाल के साथ हम अपनी इस वार्ता को ख़त्म करेंगे, ताकि उन लोगों को भी एक रास्ता दिखाई दे, उन लोगों के लिए भी एक नई जो कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ उनको महसूस हों। आपके मकाम तक पहुँचने में तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन उनकी शुरुआत हो पाए।
सबसे पहली बात है कि जो संगीत जो जॉनर हम ले रहे हैं उसमें महारत हासिल हो, और अगर राजस्थानी है या फ्यूजन है, हर एक एक पार्ट अलग जॉनर है, उसमें डीपली उसकी मेहनत करें, रियाज करें, उसको पहले तैयार कर कर, और अपना काम अगर सोना है ना तो दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, पहली तो ये बात। दूसरा, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। अगर आपको कोई फ़ोन करता है तो आप उसका रिप्लाई 5 दिन बाद मत कीजिए, क्योंकि जो क्लाइंट होता है ना वो वेट नहीं करता है, रिस्पॉन्स इमीजिएट होना चाहिए, और ऑर्गेनाइज्ड हो और सभ्यता हो। कार्यक्रम को ख़त्म तो मैं रईस भाई के प्रश्न से करना चाहता था, लेकिन हमारे बीच में भरत हैं, और भरत का अगर हम सितार ना सुने इस कार्यक्रम के अंदर तो ये पूरा नहीं होगा। तो आइए भरत के सितार से रूबरू होते हैं और इनके उंगलियों के जादू को महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये हम लोग रूबरू हुए हमारे इन साथियों से, सुरीले साथियों से, पुरखलूस साथियों से, और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा। इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे साथियों को भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, कुछ समझने का मौका मिलेगा, और वो भी उस मकाम को हासिल कर पाएंगे जिस मकाम को ज़्यादातर लोग हसरत से देखते हैं, जिस मकाम पर आज रईस भाई हैं, हमारे इमरान साहब हैं, हमारे बाकी साथी हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, शुक्रिया। सुनो मारो घर आंगन बेगा घर।